हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम विक्टर द टेरिबल की गेम देखने वाले हैं। विक्टर क्रोचनोई, जिसको विक्टर द टेरिबल इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक ऐसे जो है प्लेयर थे जो कि पक्का जो है 100% वर्ल्ड चैम्पियन मटेरियल थे, बट कभी भी जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत नहीं पाए। 10 बार जो है उन्होंने कैंडिडेट्स के लिए कारपो के सामने जो है 2 बार उन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप का फाइनल खेला है। दोनों ही बार जो है उन्होंने लॉस किया है, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। और उनके सामने है इफाम गैलर, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं। उनकी गेम जो है वो काफ़ी देखने को मज़ा आती है। उनकी बुक जो है एप्लीकेशन ऑफ चेस थियरी, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप जो है पढ़ना चाहते हो। तो आइए देखते हैं गेम, जो कि 1954 में खेली गई थी, जहाँ पर विक्टर ने यानी कि क्रोचनोई ने गेम की शुरुआत e4 से की। एंड नाउ c5 सिसिलियन डिफेंस, Nxf3, Nxc6, d4 ओपन सिसिलियन, c4, Nxc4, Nxf6। ब्लैक जो है e4 पे अटैक करता है। रीज़न ये है कि वो वाइट को जो है वो Nxc3 फोर्स करवाता है। अगर Nxc3 अगर आप फोर्स नहीं करवाते हो, देन पहले वाइट c4 खेल लेता है, देन ब्लैक का जो है d5 पॉन ब्रेक आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, मतलब d5 अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ओके, Nxf6, Nxc3, एंड नाउ d6, बिशप टू g5, एंड नाउ e6, क्वीन टू d2, एंड नाउ बिशप टू e7। जबकि इसी पोजीशन में a6 मेन मूव है, जहाँ पे बाद में वाइट लॉन्ग कैसल करता है और ब्लैक जो है बिशप टू d7 खेलता है, या तो h6 करके गेम को कंटिन्यू करता है। बट ये जो है टोटली डिफरेंट गेम हो जाती है। सो हम चलते हैं हमारी गेम में, जहाँ पे क्वीन d2 के बाद खेला गया बिशप टू e7। एंड नाउ क्रोचनोई ने यहाँ पे लॉन्ग साइड कैसल किया, ब्लैक ने खेला शॉर्ट साइड कैसल f4, और इस पोजीशन में नाइट कैप्चर्स ऑन d4 मेन मूव है, जहाँ पे वाइट खेलता है क्वीन कैप्चर्स d4, और उसके बाद ब्लैक जो है क्वीन f5 के लिए जाता है, और इस तरह से गेम कंटिन्यू होती है। बट हमारी गेम में f4 के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक ने खेला e5। सो e5 मूव का पर्पज़ ये है कि उनको जो है वो d4 स्क्वायर का कंट्रोल चाहिए। कैसे, देखिए, पहले तो अगर नाइट कैप्चर c6 खेलते हैं, देन पॉन कैप्चर ऑन c6, और बाद में जो है d5 स्क्वायर आपके पीसेस के लिए अवेलेबल नहीं है। सो वाइट ने यहाँ पे खेला नाइट f3, एंड नाउ बिशप टू g4। ये जो है ब्लैक का पूरा लॉजिकल आइडिया है कि ब्लैक को d4 स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे वाइट ने खेला h3, एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन f3, पॉन कैप्चर्स ऑन f3, एंड नाउ नाइट टू d4, पॉन कैप्चर्स ऑन e5, डी कैप्चर्स ऑन e5। और इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैक मूव, वाइट के लिए बेस्ट मूव ये है कि वो पॉन f4 खेले और पूछे इस नाइट को कि वो कितनी देर यहाँ तक बैठना चाहता है। बट गेम में जो है क्रोचनोई ने डी कैप्चर्स ऑन e5 के बाद एक काफ़ी बढ़िया मूव खेली। वैसे तो कंप्यूटर उसको बढ़िया मूव नहीं मानता है, बट अगर हम ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अच्छी मूव है, और वो जो है एक्चुअली वाइट को अटैक के लिए जो है चांस देती है। यहाँ पे विक्टर क्रोचनोई ने खेला अच्छा रुक टू g1। सो आप f3 पे सेक्रीफाइस कर रहे हो और वहाँ पे जो है क्वीन एंड रुक दोनों पे अटैक होगा। इस पोजीशन में बेस्ट मूव ब्लैक के लिए ये है कि ब्लैक जो है क्वीन टू b6 खेले, एंड वाइट उसके बाद जो है बिशप टू e3 खेल सकता है, और गेम जो है तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट गेम में क्या हुआ कि जैसे ही रुक g1 विक्टर क्रोचनोई ने खेला, यहाँ पर इफाम गैलर ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने खेला नाइट कैप्चर्स ऑन f3। सो अभी दोनों पे अटैक है, रुक पे अटैक है, क्वीन पे अटैक है, बट पहले जो है क्वीन टू जस्ट f2। सो पॉइंट ये है कि रुक जो है क्वीन पे अटैक कर रहा है, सो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे रुक को कैप्चर करने का। सो क्वीन टू b6। सो ब्लैक का पॉइंट ये है कि हम जो है अगर नाइट को कैप्चर करते हैं, देन वो जो है सिंपली रुक को कैप्चर करेंगे। सो नाउ बिशप टू e3, क्वीन पर भी अटैक है, दूसरी ओर आपकी नाइट जो है यहाँ पर जा रही है। सो नाइट टू d4, और यहाँ तक सब कुछ ठीक था। बट क्रोचनोई ने जो है यहाँ से भी आगे काफ़ी देखा होगा, इसलिए उन्होंने जो है पूरा प्लान किया है। इस पोजीशन में वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, सॉरी, इस पोजीशन में वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्रोचनोई ने क्या खेला होगा। रेडी दोस्तों, यहाँ पे विक्टर क्रोचनोई ने अपना एक्शन सेक्रीफाइस दे दिया विथ रुक कैप्चर्स ऑन d4, एंड आफ्टर पॉन कैप्चर्स ऑन d4, बिशप कैप्चर्स ऑन d4, और अब देखिए ओपन फाइल पर रुक का कमाल। फिलहाल के लिए क्वीन पे अटैक है, और प्रॉब्लम ब्लैक के लिए ये है कि क्वीन को या तो जो है 6 रैंक पे रखना पड़ेगा नाइट को सपोर्ट करने के लिए, या तो जो है d8 पे लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज g7 पॉन पिन होने की वजह से बिशप कैप्चर्स ऑन f6 में पीस जा रहा है। इस पोजीशन में कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि बेस्ट मूव ब्लैक के लिए है कि ब्लैक क्वीन टू e6 खेले। इस पोजीशन में हम खेल सकते हैं नाइट टू d5, और यहाँ पर रीज़न ये है कि नाइट कैप्चर्स d5 पॉसिबल ही नहीं है, अदरवाइज रुक कैप्चर्स ऑन g7 में गेम फिनिश हो जाएगी। सो नाइट टू e8
A4 से, क्योंकि नाइट टू D5 के बाद एक और थ्रेड थी, नाइट कैप्चर्स ऑन E7 चेक, क्वीन कैप्चर E7, देन बिशप कैप्चर्स ऑन F6 जो है वहाँ पर टोटली विनिंग है। बट आफ्टर नाइट टू जस्ट E8 इस पोजीशन में वाइट खेल सकता है बिशप टू C4 और वाइट के पास जो है यहाँ पर काफ़ी तगड़ा अटैक है। फिलहाल के लिए थ्रेट है सिंपली नाइट टू F6 चेक, जिसमें जो है क्वीन जा रही है। बट एनीवेज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्लैक डिफेंड नहीं कर सकता है। सो अभी हम गेम में चलते हैं जहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन D4 के बाद इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला क्वीन टू D8 एंड नाउ नाइट टू D5। अगेन नाइट कैप्चर्स D5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुक कैप्चर्स G7 चेक, किंग H8 एंड क्वीन टू F5 के बाद ब्लैक जो है वो रिज़ाइन कर सकता है यहाँ पे। सो गेम में चलते हैं वापस जहाँ पे वाइट के नाइट टू D5 के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में अब नाइट टू E8 खेलना फोर्स है, G7 को जो है सपोर्ट देना फोर्स है एंड नाउ क्वीन टू G3। जबकि उधर कंप्यूटर एक इंटरेस्टिंग आइडिया शो कर रहा है क्वीन टू F5। सो रीज़न क्या है क्वीन F5 का, से रुक B8 राइट, आप प्रिपेयर कर रहे हो B5, बट देन बिशप टू जस्ट D3 और यहाँ पे थ्रेट है पोन टू जस्ट E5 की, जिसमें जो है अभी G6 वर्क नहीं करेगा क्योंकि से आप यहाँ पे G6 खेलते हो देन ऑन द स्पॉट बिशप टू C4 जो है यहाँ पे क्रशिंग विन है। कोई जो है डिफेंस दिख ही नहीं रहा है क्योंकि नाइट कैप्चर्स ऑन E7, क्वीन कैप्चर्स E7, देन रुक कैप्चर्स ऑन G6 एंड जो है गेम उधर जस्ट खत्म हो रही है क्योंकि F7 पोन जो है वो पिन है। बट एनीवेज हमारी गेम में चलते हैं जहाँ पे क्वीन F5 नहीं खेला गया, इस पोजीशन में विक्टर क्रोचनो ने खेला क्वीन टू G3, डायरेक्टली जो है G7 पे अटैक है। फिलहाल के लिए बिशप कैप्चर G7 थ्रेट है एंड नाउ F6। इस पर्टिकुलर मूव की वजह से ब्लैक ने एक गेम लॉस की, जबकि उधर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है स्टॉकफिश के बिशप टू H4 जो है वो बेस्ट मूव है। वाइट वहाँ पर खेल सकता है क्वीन टू E5, अगेन जो है यहाँ पर रुक कैप्चर G7 की थ्रेट है, जिसमें से F6 एंड नाउ क्वीन टू E6 चेक एंड आफ्टर किंग H8 बिशप टू D3 और इस पोजीशन में जो है वो वाइट के पास काफ़ी बढ़िया अटैकिंग चांसेस है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि गेम जो है ऑन द स्पॉट यहाँ पर लॉस्ट है। बट एनीवेज गेम में चलते हैं जहाँ पर क्वीन टू G3 के बाद इस पोजीशन में जो है F6 खेला गया, ब्लैक ने बिशप टू H4 मिस किया। सो नाउ जस्ट पोन टू F6। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पर वाइट किस तरह से अटैक को कंटिन्यू कर सकता है। रेडी दोस्तों, यहाँ पे वाइट ने खेला यानी कि क्रोचनो ने खेला जस्ट बिशप टू C4 और थ्रेट है यहाँ पे नाइट टेक्स ऑन E7 या फिर नाइट कैप्चर्स ऑन F6 एंड वाइट जो है वो कम्प्लीटली विन हो रहा है क्योंकि नाइट कैप्चर्स F6 डबल चेक में जैसे ही किंग जो है H8 पे जाएगा, नाइट कैप्चर्स ऑन E8 एंड देन G7 पे जो है उधर गेम फिनिश हो रही है। सो गेम में खेला गया रुक टू F7, जबकि उधर अगर आप किंग टू H8 जाते हो देन नाइट टू F4 जो है वो क्रशिंग विन है। रीज़न ये है कि यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स D4 देन सिंपली जो है नाइट टू G6 चेक, पोन टेक्स एंड क्वीन टू H4 जो है वो विन है। सो नाइट टू G6 काफ़ी बड़ी थ्रेट है इस पोजीशन में, इसीलिए ये पोजीशन वाइट के लिए जस्ट विनिंग है। सो बिशप टू C4 यहाँ पे अब ब्लैक ने खेला एंड बिशप C4 के बाद ना आया नाइट टू F4 एंड अगेन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्वीन कैप्चर्स D4 जो है वो जस्ट लॉस्ट है, इसमें मिनिमम क्वीन जा रही है। रीज़न ये है कि बिशप कैप्चर्स ऑन F7 चेक एंड किंग कैप्चर्स ऑन F7 के बाद जस्ट क्वीन टू B3 चेक, जहाँ पे आपको जो है क्वीन बीच में डालनी पड़ेगी, आप वहाँ पे क्वीन दे सकते हो उस तरह से, या फिर किंग F8 के बाद जस्ट जो है हम खेल सकते हैं नाइट टू E6 और वहाँ पे जो है डिस्कवर चेक में इवन क्वीन जो है वो चली जाएगी राइट। सो उसी तरह से नाइट टू F4 के बाद आप कुछ अलग अलग ट्राई करते हो। फॉर एग्जाम्पल बिशप D6 गेम में खेला गया, से आप ट्राई करते हो नाइट टू D6, बट देन उस केस में तो सिंपली जो है क्वीन कैप्चर G7 चेकमेट है क्योंकि F7 रुक जो है वो पिन है। सो गेम में वापस चलते हैं जहाँ पे नाइट F4 के बाद से आप ट्राई करते हो क्वीन टू D6, जो कि एक क्रिटिकल लाइन है जहाँ पे हम खेल सकते हैं बिशप कैप्चर्स ऑन F7, किंग कैप्चर्स F7 एंड नाउ क्वीन टू B3 और ये पूरा डायगोनल जो है काफ़ी वीक है, स्पेशली नाइट ऑन F4 की वजह से। अदरवाइज क्वीन E6 में जो है कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, बट नाउ क्वीन B3 चेक एंड आफ्टर किंग टू F8 यहाँ पे जो है हम बाय फोर्स विन हो सकते हैं, कुछ ही मूव्स में चेकमेट हो जाएगी नाइट टू E6 चेक। अगर आप क्वीन दे देते हो तो गेम वैसे ही ख़त्म है और यहाँ पे से आप जो है किंग F7 खेलते हो देन नाइट टू D8 जो है डबल चेक, किंग F8 एंड देन जो है वो मेट हो जाएगी। उसी तरह से ऐसे जब हमने नाइट टू E6 चेक दिया, से आप जो है किंग G8 जाते हो देन नाइट टू D8 अगेन चेक, जहाँ पे किंग H8 देन नाइट F7 चेक, किंग G8 और अब जो है डबल चेक एंड फाइनली जो है G8 पे मेट हो रही है। सो बेसिकली नाइट F4 के बाद जो है गेम को सेव करना नामुमकिन सा है। सो नाइट टू F4 के बाद इस पोजीशन में हमारी गेम में खेला गया बिशप टू D6, नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन F7 चेक, किंग कैप्चर्स ऑन F7, क्वीन टू B3 चेक
नाउ किंग टू e7, ऑफ कोर्स किंग f8 अगर आप जाते हो तो नाइट टू e6 वहाँ पे जसवीन है क्योंकि क्वीन चली जाएगी फोर्क में. सो क्वीन टू b3 चेक के बाद किंग टू e7. और अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि वाइट यहाँ पे कैसे अटैक को कंटिन्यू कर सकता है. रेडी दोस्तों, यहाँ पे विक्टर क्रोचनोई ने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन f6 और इस पोजीशन में इफाम गेलर ने रेजिग्नेशन दे दिया. क्यों रेजिग्नेशन दे दिया? रीज़न ये है कि यहाँ पे आप वेरियस तरीके से जो है इस बिशप को कैप्चर कर सकते हो. पहला से आप जो है ओके नाइट से कैप्चर करते हो, देन सिंपली उधर जो है रुक कैप्चर्स ऑन e7 चेक एंड किंग टू e8 खेलो, या फिर जो है किंग टू f8 खेलो, एनीथिंग. क्वीन f7 जो है उधर मेट हो रही है. उसी तरह से बिशप टेक्स ऑन f6 के बाद से आप करते हो पॉन कैप्चर्स ऑन f6 पर, देन क्वीन टू e6 चेक एंड देन जो है g5 ओपन हो चुकी है. सो रुक टू g8 जो है उधर मेट हो रही है. एंड उसी तरह से बिशप f6 के बाद से आप किंग से कैप्चर करते हो, देन कहना नहीं पड़ेगा क्वीन टू e6 जो है वहाँ पे एक ही मूव में चेकमेट है. और किंग d7 मूव करते हो तो डेफिनेटली क्वीन तो चली ही जाएगी. हम यहाँ पे खेल सकते हैं लाइक क्वीन टू e6 चेक, जिसमें किंग टू c6 के बाद सिंपली जो है कैप्चर कर सकते हैं. किंग टू c7 के बाद पहले नाइट टू d5 चेक देंगे और बाद में जो है उस क्वीन को कैप्चर कर सकते हैं. सो वाइट इज़ कम्प्लीटली विनिंग. इसीलिए जब वाइट ने यहाँ पर बिशप कैप्चर्स ऑन f6 खेला इस पर्टिकुलर पोजीशन में, इफाम गेलर ने रेजिग्नेशन दे दिया. सो दोस्तों, कैसी लगी आपको विक्टर द टेरिबल की गेम और आज का वीडियो? आई होप मेरा वीडियो और ये गेम दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे. पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें. धन्यवाद. जय हिंद. बाय बाय.